समस्तीपुर में इन दिनों बदमाशों का मनोबल सातवें आसमान पर है, जहां 24 घंटे के अंदर अपराधियों ने दो दो अपराधी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुद ही चुनौती दी। पहली घटना मुफस्सिल थाना इलाके के ग्रामीण चिकित्सक को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं आज मथुरा पर ओपी क्षेत्र के फास्ट फूड विक्रेता को गोली मारकर छलनी कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आनंद फानंद में परिजनों के द्वारा सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि फास्ट फूड विक्रेता सचिन अपनी दुकान बढ़ाकर घर जा रहा था, तभी कुछ युवकों ने उसे बात के बहाने एक गली में बुलाया और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से 7 खोखा बरामद किया है। घटना के संदर्भ में पुलिस का कहना है कि फास्ट फूड विक्रेता अपने घर जा रहा था, तभी किसी परिचित ने उसे गली में ले गए और गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने तहकीकात में पाया कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही मामले को उद्भेदन कर लिया जाएगा। कोई हत्या के संदर्भ में मृतक के पिता का कहना है कि गांव के ही दो युवकों से सचिन का वाद विवाद हो रहा था। सचिन एक गांव की लड़की से प्रेम करता था। गांव के दो लड़के नागवार गुजरा और बराबर धमकियां देता था, तुम्हें गोली मार देंगे। बताया जाता है कि गांव की एक लड़की से दो लड़के प्रेम करते थे, जिसे एक प्रेमी को नागवार गुजरा और इसी कड़ी में सचिन की निर्मम हत्या कर दी। हमारे बेटा को धमकी दिया था कि हम गोली मार देंगे, शहजाद बोला था और चुन्नू। आज क्या हुआ? आज हम नहीं थे, उसको कोई बुला के ले गया गली के अंदर और ऐसा कांड हुआ। क्या करता था आपका बेटा? हमारा बेटा चाउमीन का दुकान पर रहता था। धमकी देने वाला क्या करता है? धमकी देने वाला वही करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।